देखिए प्रेजेंट परफेक्ट तक हो गया है, हो गया है ना। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसका चौथा जो प्रकार है प्रेजेंट टेंस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, सही बता रहे हैं। रह लड़की शांति रहो। जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, यानी कि पहले भूत में, यानी कि इससे पहले जो काम शुरू हुआ था और वो काम जो है अभी भी जारी है, यानी कि वो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं पहले पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, बात समझ रहा है। मैं पहले भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, यानी कि मैं पढ़ता रहा हूँ तो मैं पढ़ता रहा हूँ, तो यानी कि मैं पहले से ही पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा हूँ। इसको देखिए पहचानेंगे किस तरह से। तो जिस हिंदी जो वाक्य होता है, तो हिंदी वाक्य की क्रिया जो रहता है यानी वर्ब, उसके अंत में अगर ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, इत्यादि ये सब लगा रहेगा ना, ता रहा हूँ, ती रहे हूँ, तो इसका जो ट्रांसलेशन है कौन टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन टेंस में होगा रे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। देखिए इसका रूल होता है कैसे बनाइएगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल पे यहाँ दिया हुआ है, मैं खाता रहा हूँ। देखिए ये वर्ब है, खाना वर्ब है ना, खाए वर्ब के अंतिम में क्या लगा हुआ है? ता रहा हूँ, है ना। हमारा जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं। तो मैं के क्या होता है? आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगे, अथी सब्जेक्ट कह रहा है, अथी रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट के पास हैव लगाना है या हैज लगाना है, दोनों में से कोई एगो लगाना है। क्या लगाएंगे आई के साथ? आई के साथ क्या लगेगा? हैव। हैव के बाद क्या कह रहा है? नॉट लगाने के लिए। इसमें नहीं वाला है, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं ना है, तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे उसके बाद? बीन, आई हैव बीन। इसमें वर्ब कौन सा है? खाना। खाना क्या होता है? ईट। ईट में क्या, अथी वर्ब में क्या लगाना है, यानी कि वर्ब का चौथा रूप, तो ईट में क्या लगेगा? ईटिंग, यानी कि आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ, पहले भी खाया था, अभी भी खा रहा हूँ, खाता ही रहूँगा, मोटा हो जाऊँगा खा खा के, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस हिंदी वाक्य का क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे है, ते रही है, इत्यादि ये सब लगा रहेगा, तो कौन टेंस होगा? कौन टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और देखिए इसमें एक और चीज़ बताते हैं, इसमें रहा हूँ, अगर मान के चलिए बउआ सब हल्ला मत करो, ठीक है। अगर इसमें रहेगा रहा है, रही है, तब कहेगा कि सर जी इसमें तार, देख मान के चलिए जैसे यहाँ है, वह सुबह से पढ़ रहा है, इसमें तार रहा है, तार रहा है, इसमें सोचे क्या है? रहा है, रहा है। आप कहिए कि सर जी रूल के अकॉर्डिंग हम काम में नहीं कर रहा है, आप बताते कि ता है, ती है, इसमें ता ती है, तो ये नहीं, डायरेक्ट है रहा है, तब इसको किस तरह से मानिएगा? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है इसलिए कि अगर आपके सेंटेंस में शोर मत किया कीजिए, अगर आपके सेंटेंस अथी जो वाक्य है उसमें एक घंटे से, दो घंटे से, यानी घंटा समय दर्शाएगा, या दो वर्षों से, पाँच वर्षों से, आठ वर्षों से, या सुबह से, शाम से, ठीक है, 9 बजे से 12 बजे से, या 1990 से 1995 से 2001 से, इस तरह का अगर वाक्य में आ जाता है, इस तरह का अगर शब्द जो है वाक्य में आ जाता है, तो क्या किस टेंस में बनेगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही उसका ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे मान के चलिए वह सुबह से पढ़ रहा है, यहाँ आ गया, समय आ गया, कब से पढ़ रहा है? तो सुबह से। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? देखिए वह का क्या लिखेंगे? ही। वह का ही होता है, ही के साथ क्या लगाएंगे बउआ? हैज लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। और उसके बाद नॉट इसमें नहीं ना है, निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे? ए लड़की बोले थे कि शोर नहीं होना चाहिए, शांति से नहीं बैठिएगा आप लोग। ही हैज बीन, इसमें वर्ब कौन सा है? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है? रीड। तो रीड में क्या लगाएंगे? आ कब से पढ़ रहा है? तो सुबेरे से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? सुबह से पढ़ रहा है। तो सुबह का क्या होता है? मॉर्निंग। तो यहाँ लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग, यानी कि इसमें ता तो नहीं था, लेकिन यहाँ क्या डायरेक्ट रहा है। तो आप कहिए कि सर जी इस टेंस में आता ही नहीं है, तो इसमें ये देखिए, इसमें समय तो नहीं बता रहा है, साल तो नहीं बता रहा है, दशक तो नहीं बता रहा है, ये सब चीज़ अगर रहेगा ना तो कौन टेंस में होगा? ता रहे चाहे ना रहे, इसी टेंस में होगा। बात समझ में आ गया? अब कहिए कि हैव कैसे, कब लगता है, हैज कब लगता है, मालूम है ना सबको?
अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे और यू दे, ठीक है, और प्लुरल नाउन रहे, कौन नाउन? प्लुरल नाउन। तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे कि हैड लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। जैसे देखिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट था हमारा? आई था, आई था ना। क्या लगाए इसके साथ हम? हैव लगाए, यानी कि आई, अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या प्लुरल नाउन, यानी कि जब एक से अधिक किसी भी चीज़ का बात होगा तो प्लुरल नाउन होता है। तो ये अगर हमारा सब्जेक्ट रहे तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और वही हमारा जैसे कि ही रहे सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर वह, ठीक है, वह वह, तो ये दोनों का ही होगा। हमारा सब्जेक्ट अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे या सिंगुलर नाउन रहे, यानी कि जब एक किसी एक चीज़ का बात होगा, ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? हैज, हैव की हैज है। जैसे एक ये देखिए, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, इसके वर्ब के अंतिम में क्या है? ता रहा है ना। तब इसको किस तरह से बनाएंगे? वह का क्या होगा? ही। वह का ही। अब बताइए ही, ही, ही है, अब ही के साथ क्या लगेगा? हैव की हैज, हैज। बताए थे ना कि आई, सॉरी, बताया था कि ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो इसके साथ भी क्या लगेगा? हैज। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है? रीड में क्या लगेगा? आई एन जी, वर्ब के चौथा रूप लगेगा ना। ही हैज रीडिंग, वह पढ़ता रहा है। तो समझ गए आप लोग? बिन नहीं लगा, हाँ सॉरी, गलती हो गया यहाँ पर, देखिए दिमाग से उतर गया था, बिन नहीं लगा। बताया था ना कि हैव हैज के बाद क्या लगाना है? बिन लगाना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं रहा तो बिन, ठीक है। और उसके बाद पढ़ना का रीडिंग। बात समझ में आया सबको? हाँ। क्या करना है इसको, इसमें इसमें देखना है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से, देखिए कि ता रहा है, ती रही है, अगर है किसी सेंटेंस में तो तुरंत समझ जाइए कि कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए समझ गए, चलिए आगे बढ़िए।